चेहरा 10 साल तक जवां और टाइट दिखेगा अगर आप 5 मिनट निकाल करके इसको अपने फेस पर लगाते हैं। हेलो गाइस, आई एम नैना एंड वेलकम बैक अगेन। आज मैं आप सभी को एक बार फिर से एक ऐसी नेचुरल रेमेडी, दमदार रेमेडी आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके स्किन में कोलेजन को भरपूर तरीके से बूस्ट अप कर देती है और आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो देने के साथ साथ आपकी स्किन के यौथ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्किन हमेशा चमके दमके टाइट दिखे, बिल्कुल भी उस पर झुर्रियां ना आए, तो बस आपको रात में सोने से पहले 5 मिनट अपनी स्किन को देने हैं और अगर आप इसको यूज कर लोगे तो आपकी स्किन इतनी ज्यादा टाइट, इतनी ज्यादा फॉर्म, इतनी स्मूथ और इतनी ज्यादा क्लीन हो जाएगी कि आप इसको बार बार यूज करना चाहेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस मास्क को कैसे बनाते हैं। स्किन टाइटनिंग के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर मेरे पास। फर्स्ट है आलमंड एंड सेकंड यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ, फेनल सीड। गाइस, आप सभी जानते हैं आलमंड स्किन टाइटनिंग में कितना ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन इसको यूज करने का जो तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ, ये तरीका आपकी स्किन पर एज अ स्क्रबिंग भी आप काम करेगा और साथ ही साथ स्किन के यौथ को भी बढ़ाएगा। तो हमें सबसे पहले इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से पानी के साथ में भिगो करके के रखना है, जिससे कि ये दोनों चीजें अच्छी तरह से पानी के साथ में भीग जाएं और पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लें। तो पानी के साथ में हम इसको भिगो कर रखेंगे 10 या 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार और एक एक करके दोनों को हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी सहित आप इसके अंदर सौंफ डाल दें और भीगे हुए बादाम, 10 से 12 बादाम मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो हम इसके अंदर बादाम डाल देंगे और पानी के साथ ही इसका जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। और छान लेने के बाद सौंफ और बादाम का जो ये पेस्ट बचता है, हम इसको एक बॉल के अंदर अलग से निकाल कर रखेंगे और ये जो आलमंड मिल्क है इसको हम एक बॉल में अलग से ट्रांसफर कर लेंगे। ये जो दोस्तों ये मिल्क है, आलमंड प्लस फैनल मिल्क, ये आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बनाता है विटामिन ई। हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक विटामिन ई की कैप्सूल। यहाँ पर मैं ये स्किन के लिए स्पेशली जो यूज़ किया जाता है वही यूज़ कर रही हूँ। एक विटामिन ई डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही जो हमारे पास आलमंड और फैनल का जो पेस्ट है इसको हम एक बॉल के अंदर अलग से निकाल लेंगे। दोनों को कैसे आपने यूज़ करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ दोनों को ही यूज़ करने का तरीका। ये आपके पास है स्क्रब, इससे आप अपने स्किन को स्क्रब करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दही भी मिला सकते हैं और भी ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को यूज़ करने के लिए आप इसके अंदर कॉटन को डिप करेंगे और रात में सोने से पहले आपको इसे अप्लाई करना है अपनी स्किन पर और अच्छी तरह से आपने इसको मसाज करना है। मसाज करने से आपकी स्किन में से डर्ट, इम्प्यूरिटीज़ निकल जाएगी। साथ ही जब आप इसको अच्छी तरह से रब करोगे अपनी स्किन में तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को टाइट और स्मूथ बनाएगा। आप बस इसको रब करें 5 या 10 मिनट के लिए, उसके बाद छोड़ भी सकते हैं। और इस स्क्रब को करने के लिए आपको क्या करना है, इस स्क्रब के अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा दही डालकर मिक्स करके इससे आपको स्क्रब करना है। इसे लेकर आप अपने फेस पर अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए और इस सॉल्यूशन को भी आप अपने स्किन को क्लींस करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। दोनों को आपने रात में इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव और कमाल की रेमेडी, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।